हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शेख नईम। आप देख रहे हैं ओनली टेक्निकली इन हिंदी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो एडिटिंग के बारे में। मैंने आपके लिए विथआउट वाटरमार्क वीडियो एडिटिंग ऐप लेके आया हूँ। देखिए, ये ऐप बहुत अच्छा है। आपको ज़्यादा एडिटिंग करना नहीं आता तो ये ऐप को यूज़ कर सकते हैं आप। इसका नाम है माई मूवी। ये ऐप से आप सिंपली वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। ये ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से भी आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, हम सबसे पहले इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात करना है वीडियो एडिटिंग के बारे में। सबसे पहले मुझे करना होगा वीडियो पे क्लिक। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको मैं यहाँ पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। मैं एक वीडियो कर लेता हूँ चूज़। मैंने एक वीडियो कर लिया चूज़। यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर वीडियो चूज़ कर चुका हूँ। और अब यहाँ से मैं अब बात करने वाला हूँ इसकी एडिटिंग फीचर के बारे में। देखिए, पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एडजस्ट। यहाँ पर आप क्लिक करें। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको साइज़ लेना है यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं ले लेता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 4.5। यहाँ पर मैंने ये ले लिया। अब यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि वाइट, ब्लैक, जो भी आपको लेना है। मैं यहाँ से फर्स्ट नंबर मैं यहाँ से रख लेता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं आता हूँ सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर आपको मिल जाएगा एडिट। एडिट के बटन पर मैं करूँगा क्लिक। एडिट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नंबर पर, जैसे कि यहाँ पर हमें वीडियो को कट करना है कुछ। और जैसे कि मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट। यहाँ से मैं करूँगा एडिट पर क्लिक। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्पेल लिट पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये कट चुका है। अब यहाँ पर मैं और दूसरे फ़ोटो लगा सकता हूँ, वीडियो लगा सकता हूँ। अब यहाँ से मैं करता हूँ वापस एडिट पर क्लिक। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कर सकते हैं कॉपी। जैसे मैं ये पार्ट को कर लेता हूँ कॉपी। अब देखिए, इसका कॉपी हो चुका है। ये देखिए आप, ये और ये एक कॉपी हो चुका है। मैं एक को कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के बाद फिर से मैं आ जाता हूँ एडिट पर। एडिट पर जाने के बाद यहाँ से आप जो आपका वीडियो है यहाँ से आप कर सकते हैं डिलीट। दूसरी बात है मूव का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, जैसे इसके नीचे हो चुका है ये, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि ये मूव देख, मैं जैसे मूव कर लेता हूँ, ये देखिए हो चुका है। मैं मुझे इधर की साइड रखना है या इधर की साइड रखना है, तो मुझे रखना है इधर ही, तो मैं कर लेता हूँ इधर। आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, फिर इसके बाद में आ जाओ तो फिर से एडिट पर। एडिट पर आने के बाद यहाँ पर बात करनी है स्पीड पर। स्पीड पर क्लिक करता हूँ। स्पीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट पर क्लिक। राइट तरफ लेके जाएंगे तो फास्ट हो जाएगा और लेफ्ट तरफ लेके स्लो हो जाएगा। तो मैं लेता हूँ पहले राइट तरफ। राइट तरफ लेने के बाद मैं यहाँ करता हूँ इसको ओपन। ओके पर आप देख सकते हैं कितना स्पीड में चले गए। देखिए दोस्तों, अब इसको मैं करके दिखाता हूँ स्लो मोशन में। स्लो मोशन में करने के लिए यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ एडिट पर। एडिट पर जाने के बाद फिर से जाना है हमें स्पीड पर। स्पीड पर क्लिक करने के बाद मुझे करना है लेफ्ट में। लेफ्ट में क्लिक हुआ। ओके, यहाँ से भी ओके। अब देखिए, यहाँ से स्लो मोशन में हो चुका है। ये देखिए, ये दोस्तों स्लो मोशन में हो चुका है। मैं फिर से इसको कर देता हूँ बीच में करने के बाद यहाँ से कर लिया। ओके, अब मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की। वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ। वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली देखने को मिल जाएगा इधर का जो आपका वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। और कभी आप बढ़ाना चाहते हैं आपका वॉल्यूम तो यहाँ से आप 200 तक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रखता हूँ, मैं यहाँ पर रखता हूँ 100 तक। यहाँ से कर लेता हूँ क्लिक। 100 पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रॉप। क्रॉप पर हम क्लिक करते हैं।
क्रॉप पर क्लिक करने के बाद आपको जैसा भी यहाँ पर अच्छा लगता है वैसा आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बता दो फ्लिप, फ्लिप पर क्लिक करने के बाद देखिए ये उल्टा हो चुका है। मैं फिर से कर देता हूँ इसे सीधा। फिर यहाँ से पर मिरर कर सकते हैं, देखिए ये इधर से और ये इधर से, ये मिरर हो चुका है। अब यहाँ पर जूम कर सकते हैं, जैसे कि जूम, देखिए मैं जूम कैसे करता हूँ, ये देखिए आप जितना चाहे उतना जूम कर सकते हैं, जैसे मुझे रखना है उतना ही। फिर यहाँ से आप आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल हो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये ऐसा हो सकता है 3D में, ये देखिए आप। तो मुझे नहीं करना, मैं वापस इस पर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मिलता है अपने को वर्टिकल, वर्टिकल पर क्लिक करने के बाद ये भी अफेक्ट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, ये देखिए। मैं इसमें इसको भी कुछ नहीं करता हूँ। अब यहाँ से मिल जाता है अपने को रोटरी, रोटरी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा देखने को मिल जाएगा रोटरी रोटेट करने के लिए। अब मैं कर ले, मुझे नहीं करना, अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ सिंपली। ओके ओके पे क्लिक करने के बाद एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फिल्टर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हम कोई भी फिल्टर एक दे देते हैं, ये देखिए मैं यहाँ से कोई भी फिल्टर दे देता हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ, सिंपल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मुझे यहाँ से आप कर सकते हैं, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ओके अब यहाँ पर आती है फ़िल्टर की बारी, फ़िल्टर पे क्लिक करते, फ़िल्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कौन सा भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि मैं D1 जहाँ लिखा है वहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ से हम अलग अलग इफ़ेक्ट दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैं रख लेता हूँ इफ़ेक्ट ये, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ओके यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रिवर्स की, रिवर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। रिवर्स का मतलब होता है जैसे कि ये BCD वीडियो चल रही है स्टार्ट पास से, देखिए मैं सुना देता हूँ, इसको हम रिवर्स करते हैं। यहाँ से हम रिवर्स कर लेते हैं, मैं करता हूँ एडिट पर क्लिक, एडिट पर क्लिक करने के बाद आ जाता हूँ रिवर्स पर, रिवर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आप सिंपली आपको कर देना स्टार्ट, स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले, और उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होंगी। मैं वीडियो करता हूँ पॉज। देखिए दोस्तों ये हो चुका है, जैसे कि मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये उल्टा चल रहा है। देखिए दोस्तों ये हो चुका है, ये रिवर्स हो चुका है। अब मैं फिर से करता हूँ एडिट पर क्लिक, एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन दिखाई देगा। रोटेट हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ रोटेट पर क्लिक, देखिए दोस्तों रोटेट हो चुका है, आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। मुझे ये ऐसे ही रखना है। अब ये मैंने, मुझे उम्मीद है कि मैंने एडिट मैं जो फीचर जो ऑप्शन दिए हुए मैंने उससे अच्छे समझा पाया हूँ आपको। अब मैं आता हूँ फ़िल्टर, आपको तो मैंने फ़िल्टर उसमें बता दिया। अब यहाँ पर बात आती है इफ़ेक्ट की, इफ़ेक्ट पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम जो चाहे वैसे ले सकते हैं, जैसे ये इफ़ेक्ट हम ले सकते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हम जो चाहे वैसे इफ़ेक्ट ले सकते हैं, देखिए जो भी चाहे हम ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ओके मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके, ये देखिए यहाँ से अफेक्ट हो चुका है, यहाँ से कर लेता हूँ। ओके आपको अच्छे से अफेक्ट के बारे में समझ में आ गया, जो भी आप अफेक्ट लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ अफेक्ट, अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ओके जैसे कि आपको अब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अफेक्ट, ये देखिए ये अफेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ओके ओके पर क्लिक करने के बाद आप आती है स्टिकर के बारे में, स्टिकर पे हम सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपका जो भी आप यूट्यूबर है, आपका चैनल का आप लोगो लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर नहीं लगाना। और यहाँ से आप इमेज भी ले सकते हैं, ये आपको यहाँ पर आइकन पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक द गैलरी टू क्रिएट डाई स्टिकर, यहाँ से आप और ले सकते हैं, यहाँ से आपको जो भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं करता हूँ यहाँ से बैक आने के बाद अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ टैक्स की। मैं टैक्स पर क्लिक करता हूँ, टैक्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं जैसा यहाँ पर लिख दे तो ओनली
ओनली टेक्निकल इन हिंदी, इन हिंदी मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ओके ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, मैंने नाम लिख लिया हूँ। अब आप यहाँ पर जो भी रंग देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं, जैसा मैं रख लेता हूँ ये रंग। एंड यहाँ पर आप आती है ओपेसिटी, ओपेसिटी में यहाँ से रख ले तो देखिए मैं रख लेता हूँ ये। अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ और यहाँ से इसकी सेटिंग, यहाँ पर आप लिखेंगे टेक्स्ट तो उसकी सेटिंग आपको दिखाई, यहाँ से आप शेडो लगा सकते हैं, लेबल जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ पर फाउंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर फाउंड यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं, मुझे रखना है बस यही, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ओके ओ देखिए ओके पर क्लिक करने के बाद और कर लेता हूँ। ओके ओके पर देखिए हो चुका है। और उसके बाद हम बात करते हैं म्यूज़िक की, म्यूज़िक पर क्लिक करते म्यूज़िक, यहाँ पर म्यूज़िक पे आप देखते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन भी आप गाने यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जैसे आप डाउनलोड किए हैं या फिर कनेक्शन देखो मेरे नेट में चालू कर लेता हूँ। यहाँ पर आप ऑनलाइन सॉन्ग ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से ऑनलाइन सॉन्ग ले सकते हैं आप, जैसे कि हो रहा है यहाँ से आप जो भी लेना चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हो। अब मैं बात करता हूँ लोकल, यहाँ पर ये देखिए यहाँ से आप जो भी आपके पास म्यूज़िक हो तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है इफ़ेक्ट की, इफ़ेक्ट में जाता हूँ और यहाँ से आप कौन सा भी इफ़ेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि मैं एक लेके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आपको सुनाई देगा अफेक्ट, ये देखिए दोस्तों आपको ये अफेक्ट सुनाई दे रहा हूँ मैं यहाँ से कर देता हूँ। ओके और अब हम बात करते हैं म्यूज़िक में चले जाते हैं। अब म्यूज़िक में बात आती है वॉइस, यहाँ पर आप अपनी वॉइस भी यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं अभी इस पर क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड चालू है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ। अब दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूले। अब मैं बात करता हूँ वाटर मार्क, ये देखिए इसका वाटर मार्क दे रहा है माई मूवी। अब आपको इसे रिमूव करना है तो आप कैसे करें, आपको सिंपली करना क्या, उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए माई यहाँ पर आपको दे रहा है रेमो वाटर मार्क, रेमो वाटर मार्क माई मूवी प्रो, यहाँ पर इतने इतने रुपए का दे रहा है आपको, यहाँ पर दे रहा है फ्री रेमो फ्री, मतलब यहाँ पर आपको ऐड दिखाएगा और ये मतलब जो इसका वाटर मार्क है वो यहाँ से हट जाएगा। जैसे मैं करता हूँ फ्री रेमो, ये देखिए ये ऐड आ चुकी है। पहले सिक्योर पिन से ऐप खोलिए और दूसरे पिन से, देखिए ऊपर सेकंड चल रहे 87 सेकंड रिमेनिंग, यहाँ पर चल रहा है सेकंड को होने दे। यहाँ से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से ये हट चुका है, यहाँ पर इसका वाटर मार्क हट चुका है। दोस्तों मैंने आज आपको पूरा ट्यूटोरियल अच्छे समझाने की फुल कोशिश किया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।